हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो गाइस देखो, मेरे तरफ एकदम कुहासा किए हुए है। नवंबर का महीना आ गया है लेकिन ठंडा एकदम नहीं लग रहा है, सिर्फ शर्ट में हूँ। और आज है दिवाली, मतलब आज तारीख कितना हो गया, 12 नवंबर। तो 12 नवंबर आज दिवाली है, तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो मस्त से इंजॉय करो एकदम दिवाली को। और मैं भी जा रहा हूँ इंजॉय करने के लिए। फिलहाल अभी तो नहाया हुआ कुछ नहीं है, तो नीचे और नहाऊंगा मस्त से। और देखो मेरी तरफ कुहासा कितना किए हुए है गाइस, ये देखो। और एक बात और, तो हर साल की भांति इस साल भी मैं सहने जा रहा हूँ दिवाली के दिन, यानी लक्ष्मी पूजा मैं ही करने जा रहा हूँ। पिछले साल भी किया था, इस साल भी करने जा रहा हूँ। तो दिक्कतें आएंगी ब्लॉगिंग करने में, क्योंकि मैं बैठूंगा पूजा में और ब्लॉगिंग कौन करेगा, ऐसे में तो दिक्कतें आने जा रही है। बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग कर सकूं, एकदम बढ़िया बढ़िया। लेकिन मैंने इस बार एक भी पटाखा नहीं लिया, तो शायद इस बार उतना पॉल्यूशन फैला नहीं सकेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन छठ में तो खूब हंगामा करेंगे हम। ज्यादा बकवासें हो गई, चलते हैं अब नहाने के लिए। अभी तक 2 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं नहाया। अभी नहीं खाना है, पूजा के बाद खाना है। तो गाइस देखो मैं तैयार हूँ पूरी तरह से, एकदम बढ़िया से हो गया हूँ तैयार। ये देखो, सॉरी गाइस, तो फिर से टेक ले लेते हैं। तो गाइस देखो मैं पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ, देखो। तो तैयार तो हो गया हूँ, और कुछ समय के बाद मेरे को जाना है दुकान। तो इस बार एक जगह नहीं, दो नहीं, तीन जगह नहीं, तो चौथा और लास्ट पूजा। पूरे 4 दुकानों में पूजा होगी। समझ सकते हो कितने खर्चे होने वाले हैं या कितना देर मेरे को पूजा कराना पड़ेगा। तो अपना एक झूमर भी ले लिए हैं गाइस। अभी फिलहाल के लिए जाते हैं पंडित जी को लाने के लिए। तो पंडित जी को लाने गए, लेकिन वो उनको अभी एक जगह और पूजा कराना था, इसलिए वो भी थोड़ा और टाइम लग जाएगा जाने में। तो दीपावली की सभी को शुभकामनाएं। तो गांव से सबसे पहले मैं जाता हूं मोहम्मदपुर पापा के दुकान में पूजा करने के लिए। हाँ, तो पूजा में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझसे हो गई। तो आधे घंटे पूजा करने के बाद फिर हम लोग माँ लक्ष्मी की आरती करते हैं। तो इधर का पूजा समाप्त हुआ, आप जा रहे हैं दूसरी जगह। तो मैं जाता हूँ अस्थामा चाचा के दुकान पूजा करने के लिए, लेकिन वहाँ पर वो खुद ही फास्टिंग में थे। तो वहाँ पर भी आधे घंटे बिताने के बाद अब हम लोग जाते हैं दादा के दुकान पर पूजा करवाने के लिए। काफी ज्यादा भूख लग रही है, बट ऐसा नहीं है कि पूजा में भूख लगना चाहिए। और ये देखो यहाँ तैयारी हो रही है, बैठूंगा अभी पूजा में। तो आया हूँ गाड़ी से, एकदम ठंड लग रही थी गाड़ी। ये धोती में जो हूँ ना, ये तो इससे ज्यादा ठंड लग रही थी, मजा आ गया। तो दादा के दुकान पर पूजा कराते कराते रात के करीबन 8 बज गए। हाँ, तो अच्छे से पूजा कराने के बाद अब हम लोग जाते हैं घर, घर में पूजा करने। तो
तो चौथा और लास्ट पूजा मेरे घर में, यानी अपने घर में सबसे अंतिम पूजा होने जा रही है। यानी मैं 2 बजे से लेकर अभी कितने बज रहे होंगे, 8-7 में भी बज रहे होंगे, इतने बजे तक मैं पूजा करने जा रहा हूँ। मस्त लग रहा है। देखो वहाँ पूड़ी बन रहा है, वह देखो मेरी बहन बना रही है पूड़ी, वह देखो। दुख की और थोड़ी अच्छी बात है कि इस बार एक भी पटाखा नहीं फोड़े हैं, एक भी पटाखा नहीं फोड़े हैं लिटरली। और मेरा भाई आया, कहाँ गया? है ना, बर्बाद हो गया। नवे चार दिए के बाद जल है लड्डू ना चाहिए कहो ना थैल ये आप लोग थैल और भी हम रख यार कब है कब है कब है हां हो गया जल आठ मंडम रात में गाजी जाके तो लो ले हां कर दो बलबत तुझे जहां गंदी जगह गंजी रविया गंजी तो घर में भी करीबन पूजा कराते कराते 9 ही बज गए। आरती की जाएगा ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निज दिन जेवर मैया जी के घर निज दिन जेवर हरि विष्णु दाता ओम जय लक्ष्मी माता उमा रमा ब्रह्मी तुमको दावत तो पूजा खत्म होने के बाद मैं सोचता हूँ चलो मैं पटाखा फोड़ लेता हूँ, लेकिन मेरे पास तो पटाखा था ही नहीं क्योंकि मैंने पटाखा खरीदा ही नहीं था इस बार। तो जीवन में पहली बार मैंने दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ा। तो दिवाली में पटाखा नहीं फोड़ा तो क्या हुआ, तो अपना छठ आ रहा है ना, छठ में ही पटाखा फोड़ लेंगे। तो होपफुली आप लोगों की भी दिवाली बहुत ही अच्छी गई होगी और इस साल ज्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाया होगा। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में अपना प्यार देना। और लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि छठ आ रहा है तो सुबह वाले छठ में जाकर जरूर नहाना। और मैं वीडियो यहीं तक रखता हूं क्योंकि मेरे को सर्दी हो रही है। बाय।